खगड़िया में कोसी नदी से हो रही कटाव की समस्या को लेकर गांधीनगर इतमादी में ग्रामीणों ने आपातकालीन बैठक बुलाकर संघर्ष का शंखनाद कर दिया। ग्रामीणों ने युवा शक्ति के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी की उपस्थिति में बैठक कर कटाव के लिए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग को दोषी करार दिया। वहीं युवा शक्ति के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी कटाव निरोधक कार्य के नाम पर एस्टीमेट घोटाला करने लगा है। कई वर्षों से बेलदौर प्रखंड के तेलीहार, गांधीनगर, बलेठा, सहरौन सहित कई गांव में कोसी नदी से कटाव हो रहा है। एक बार भी विभागीय अधिकारी यदि एस्टीमेट के अनुसार कटाव निरोधक कार्य जमीन पर उतार दिया होता तो आज आधा दर्जन से अधिक गाँव को कटाव की मार झेलना नहीं पड़ता। त्यागी ने कहा कि बेलदौर और चौथम प्रखंड के कई गांव में कोसी नदी से लगातार हो रहे कटाव की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा अविलंब उपाय नहीं किया जाएगा तो कटाव पीड़ित ग्रामीण के साथ आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बीएनपी न्यूज के लिए खगड़िया से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। अभी हम पौड़ा पंचायत के सहरन गाँव में है और जहाँ पर कि अभी भी बाढ़ के समय तो छोड़ दीजिए, अभी भी कटाव हो रहा है। अभी भी यदि नहीं रुका गया धीरे धीरे और भी कटना शुरू होगा। मामला ये है कि हर बार जल संसाधन विभाग के मंत्री हों, यहाँ के स्कूटी में हों, यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, हर बार जब बाढ़ आती है तब वहाँ पर कटाव निरोधक कार्य की बात शुरू करती है। तब वहाँ जो फ्लड फाइटिंग का काम नहीं, फ्लड से लड़ने वाला काम शुरुआत होता है। जबकि यदि अभी काम शुरुआत होगा तब ये गाँव बच सकता है, खेत बच सकता है। अभी हम यहाँ सहरन गांव और बगल में गांधीनगर है, इतमादी पंचायत में पड़ता है, दो पंचायत पोड़ा और इतमादी, दो पंचायत का ये गांव, यहाँ दोनों पंचायत किस गांव को मिला दिया जाए तो कम से कम 20,000 लोग हैं, 20,000 की आबादी प्रभावित होती है। यदि है अभी सहरन गांव यदि कट जाता है ये लोग कहाँ बसेगा, बसने के लिए जगह जमीन नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा जी से मेरा पहला कहना है, आज कल की बात पर मत टालिए, आपके टेबल पर फाइल पड़ा हुआ है, एंटी रोजन के कार्ड जो होना है वो आपके टेबल पर पड़ा हुआ है, आज कल की बात पर मत टालिए। यदि टालिएगा तो इस क्षेत्र की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब जान माल की पर आता है संजय झा जी तो किसी भी सीमा तक जा सकती है। इसलिए सहरन गांव और गांधीनगर गांव के बचाने के लिए इस क्षेत्र के युवा किसी भी सीमा तक जाएगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बिहार सरकार से निवेदन है, अविलंब इस कार्य को शुरू कराएं।